गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 23rd February 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 14। Name of the chapter is Community Services. So, student, previous chapter is our community. Now I hope you all are able to understand what is the meaning of the word community. A group of people living together in a particular area is known as community. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि community सिर्फ शहरों में होती है। Community living villages में भी हो सकती है, villages में भी होती है, towns में भी, cities में भी और big cities में, हर जगह लोग कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। अब देखो बेटा, जहां इतने लोग एक संग रहेंगे तो सबको लाइफ को कंफर्टेबल और इजियर बनाने के लिए हर किसी को फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, हर किसी को फैसिलिटीज चाहिए। जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, वेयर द पीपल आर लिविंग दे वांट दैट उनके सराउंडिंग्स में, उनके नेबरहुड प्लेसेस में स्कूल्स होने चाहिए, सो दैट दे कैन सेंड देयर किड्स फॉर एजुकेशन। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, सो दैट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बिकॉज सो मेनी फैमिलीज आर लिविंग टूगेदर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो many, for example, if someone is ill or someone is sick, so that we can take the patient to the hospital. Is it clear? We can take the patient to the hospital, and there should be park also, because park is the place where the people of all age group can go. So in the morning people go park for morning walk also, people do yoga there also, small kids play different games in the park, but at that time don't pluck the flowers of the park. Okay, police station also, because if there is something wrong then you can go and complain in the police station also. A police station क्या वो हमारी सिक्योरिटी का भी काम करते हैं? ठीक है, और बैंक आल्सो, बैंक इज द फैसिलिटी वेयर वी कैन कीप आवर मनी सेफ, और आवर प्रीशियस थिंग्स आल्सो वी कैप्ट इन द बैंक। सो पोस्ट ऑफिस, सो दीज आर द सर्विसेज विच हैज मेक आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। नाउ अब जनरली फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसमें स्टार्ट किया है कम्युनिटी सर्विस से, एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल एग्जाम्पल इसने स्टार्ट किया है कि आप, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अगर आपको स्कूल से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल रख के कोई चीज़ बताई जाएगी तो वो आपको मच बेटर समझ में आएगी, क्योंकि हाउ अपने होम के बाद जो आपका सेकेंड होम है, जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, वो आपका स्कूल है। ठीक है, सो जस्ट एक स्कूल के एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सो इन योर स्कूल यू हैव ए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस एंड टीचर अलोंग विद ऑफिस स्टाफ एंड क्लास एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज आल्सो, दे ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द स्टूडेंट ऑल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। इसीलिए स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि आप लोग घर के बाद सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, स्कूल इज योर सेकेंड होम।
सो अब देखो, आपको गुड फैसिलिटीज और गुड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ। आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हेड मिस्ट्रेस है, लॉट ऑफ टीचिंग स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ भी है, जहाँ आप लोग फीस कौन कलेक्ट करता है, आपकी ऑफिस स्टाफ कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है, ऑल दीज थिंग्स। ग्रुप डी इम्प्लाइज है वेन एवर यू कम टू द स्कूल, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपके मम्मी लोग घर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, लेकिन हमें अपनी सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी चाहिए, देन ओनली वे आर फिट एंड हेल्दी। देखो, आप जिस एरियाज में सराउंडिंग्स क्लीन्स नहीं है, वहाँ के लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। इफ द सराउंडिंग्स आर नॉट क्लीन, देन इट गिव राइज टू जर्म्स, वहां पे बहुत से कीटाणु होंगे, एंड दीज जर्म्स आर स्प्रेड बाय डिफरेंट मेथड्स, एंड व्हेन दीज इंटर इनसाइड आवर बॉडी वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। क्योंकि ये जर्म्स जो होते हैं, ये एयर में भी कैरी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, और बहुत से छोटे इंसेक्ट्स हैं, लाइक आप कह सकते हो हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज हैं, ये सब क्या करते हैं, इन जम्स को स्प्रेड करते हैं। और ये जम्स क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड क्यों यूज किया हमने बेटा, ये जम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मींस ये जम्स भी लिविंग है, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी लिविंग है हमारी तरह, लेकिन ये इतने स्मॉल है साइज में कि हम अपनी नेकेड आईज से, अपनी आंखों से इनको देख नहीं सकते। ये बहुत टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनके आगे माइक्रो यूज किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम लोग कहते हैं सराउंडिंग क्लीन की बात हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल बहुत से जर्म्स हैं जो हमें दिखते नहीं, ठीक है। सो दे आर वी आर अनेबल टू सी देम, इसलिए हम लोग इतने प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे आज COVID-19 है, ऑल द टाइम हम लोग मास्क लगाते हैं। अब तो मैं टीच कर रहा हूँ, अभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन वेन एवर आई गो एनी आउटसाइड प्लेस तब मैं मास्क लगाता हूँ। वेन एवर वी कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वी आर वॉशिंग आवर हैंड कंटिन्यूसली, क्योंकि हमें पता है कोरोना का वायरस, लेकिन वो वायरस अगर हमें दिख जाता तो हम उसको देख के भाग जाते, हम पागल है उसके पास जाते कि आओ आओ, हम उसको देख के भाग जाते, लेकिन वो इतना छोटा है, हम आंखों से देख नहीं सकते। हो सकता है वो आपके अगल बगल हो, आपने कोई टेबल टच कर दिया या कोई ऐसी चीज टच कर दी जिसपे वो वायरस हो, तो वहां से वो आपके बॉडी में आ सकता है। इसीलिए हम लोग कहीं से भी बाहर से आते हैं तो खूब हैंड वॉश करते हैं, कि बाई चांस अगर वो हमारे हैंड पे कैरी भी आ भी गया है तो जब हम वॉश करेंगे तो वो हट जाएगा, और नहीं तो आप उस हैंड से कुछ भी खाना खाओगे, फूड आइटम खाओगे, देन इट विल गो इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। तो ये एक छोटे से एग्जांपल से कम्युनिटी सर्विस का स्टार्ट किया हमने। कि अब देखो, आप स्कूल आते हो, तो स्कूल आते हो तो स्कूल में आपको स्कूल बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है। भाई दिस इज ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ द ग्रुप डी एम्प्लॉइज, पूरे स्कूल की, जितना बड़ा हमारा स्कूल है, पूरे स्कूल की सराउंडिंग्स को क्लीन करना। आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ है हमारे यहाँ, बहुत पत्ते गिरते हैं, डेली सारे सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन करना। आपके वॉशरूम्स हैं जहाँ टॉयलेट जाते हो, वो भी नीट एंड क्लीन होते हैं, क्लासेस की रोज डस्टिंग होती है, तो ये सब काम कौन करता है। आप आते हो, आपको सब कुछ अच्छा मिलता है, क्यों, इसके लिए ग्रुप डी एम्प्लॉइज बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग को स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन मिले, इसके लिए बहुत से लोग मिलके वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह अब हम लोग टॉक करेंगे अबाउट द कंट्री। इन द सेम वे वी नीड लॉट्स ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर आवर नीड, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, इट्स अ बिग कंट्री, एंड अनदर थिंग अबाउट आवर कंट्री इज अ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। आवर कंट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट पे चाइना है, फिर इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसा कि मैंने इसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था, कि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, हमारी कंट्री में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है, ये गवर्नमेंट सेंट्रल में है, सेंट्रल के गवर्नमेंट से ही आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स और सारी स्टेट्स में जो जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है उसमें एक पर्सन जो उसका हेड होता है दैट इज नोन एज चीफ मिनिस्टर, दैट इज नोन एज चीफ मिनिस्टर। सो ये सेंट्रल में होती है गवर्नमेंट, दैट हेड इज नोन एज, जो लोकसभा के हेड होंगे दैट इज देयर प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया में क्या है बेटा, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, ऐसा नहीं है कुछ बहुत जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत रिच पीपल हैं, सोर्सफुल पीपल हैं, वो अपने से आके गवर्नमेंट तैयार कर दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता है, बाई इलेक्शन, कैसे होता है, बाई इलेक्शन, और इन द इलेक्शन वी आर द पीपल, वी आर द पीपल हु गिव वोट्स एंड द गवर्नमेंट पार्टी विच गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। वो अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे चैप्टर में, जब अभी जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट में भी क्या है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बनती है डैट इज इलेक्टेड बाई द वोट्स गिवन बाई द पीपल ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया, ठीक है। सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 28 स्टेट्स हैं, सब स्टेट की जो भी गवर्नमेंट बनती है उसका हेड होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज इन द विलेजेस, विलेजेस में भी हर विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है, हर विलेज में, हर विलेज में ग्राम पंचायत होती है, ठीक है बेटा। और ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नोन एज सरपंच, ठीक है। जैसे सेंट्रल में हमने बोला प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल में हमने बोला प्राइम मिनिस्टर, ठीक, स्टेट में हमने बोला चीफ मिनिस्टर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने बोला ये हर गांव में, एवरी विलेज हैज हिज ओन ग्राम पंचायत एंड द हेड ऑफ दिस ग्राम पंचायत इज नोन एज सरपंच भी बोल सकते हो या आप इसे प्रधान भी बोल सकते हो, ठीक है। सरपंच ऑब्लिक प्रधान लिख दिया, सरपंच बोलो तो भी ठीक है, प्रधान बोलो तो भी ठीक है, बोथ द थिंग्स आर राइट। अब नाउ बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, ये गवर्नमेंट्स का डिस्कशन हमने इसलिए किया क्योंकि देखो हमारी कंट्री, एक तो इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, अनदर थिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सो इतने सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, दे आर ऑल डूइंग हार्ड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट, ठीक है। ग्राम पंचायत है, ये गांव में रहने वाले जो विलेजर्स लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये स्टेट में जो डिफरेंट लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के जो सिटीजन है सबके वेलफेयर के लिए काम करती है क्योंकि ये गवर्नमेंट सेंट्रल की है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में बजट बनता है, इनको मनी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने अपने स्टेट में लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, ये भाई कहाँ से पैसा आएगा, तो ये थोड़े अब ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे, बस इतना बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सबको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बेटा इतनी ज़्यादा देश की पॉपुलेशन है कि हम सोचें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, लोगों की सारी नीड्स को फुलफिल कर देंगे, सारे लोगों की नीड्स को, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, पहले सुनो, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओस को भी इसमें
शामिल किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, स्पेशली वुमन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, एल्डरली जो ऐसे लोग हैं जो भाई जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, अकेले हो गए हैं एल्डरली, तो उनके लिए भी ये सब बहुत वर्क करते हैं एनजीओस। ठीक है, और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपसे कोई पैसा नहीं लेती, आपकी हेल्प करने का आपसे कोई पैसा नहीं लेती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये इस तरह हेल्प करती हैं आपकी। सो इंडिया इज ए बिग कंट्री, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटी इन द कंट्री। ठीक है, एक अगर सेंट्रल ही एक गवर्नमेंट होती तो इतना पॉसिबल होता, जैसे आपके स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल है वो स्कूल की सबसे बड़ी पोस्ट में, तो क्या प्रिंसिपल मैम अकेले पूरा स्कूल का सब काम कर सकती है? नहीं, प्रिंसिपल मैम को हेल्प करने के लिए वाइस प्रिंसिपल मैम है, हेड मिस्ट्रेस मैम है, पूरे टीचर स्टाफ है, पूरा ऑफिस स्टाफ है और ग्रुप डी एम्प्लाइज है, तो सारे मिलके वर्कआउट कर रहे हैं, देन वी आर गिविंग यू द बेस्ट। ठीक है, इसी तरह अब सेंट्रल गवर्नमेंट, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था, तो क्या है, इसलिए हमारी कंट्री में 3 levels की गवर्नमेंट बनी, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उसके बाद भी फुलफिल नहीं कर पाए हम लोगों की नीड्स को, तो हमने एनजीओस को भी इसमें इन्वॉल्व किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने लोगों के वेलफेयर के लिए उन्हें भी इन्वॉल्व किया। ठीक है, सो देयर आर 3 levels ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सेल्फ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनती है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्टेट इज द चीफ मिनिस्टर, एंड एवरी विलेज हैज देयर ओन ग्राम पंचायत एंड देयर हेड इज नोन एज सरपंच और प्रधान। नाउ मूव, आगे चलते हैं, अब देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन दिल्ली, और ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी दिल्ली में, जो पार्लियामेंट है ना ये आपकी दिल्ली में, और दिल्ली इज आल्सो द कैपिटल, दिल्ली इज आल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्लास 1 के बच्चे को भी पता है, तो आई होप आप तो क्लास 4 में हो तो आपको भी ये पता होगा कि आपके इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। सो इट लुक्स आफ द इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ द कंट्री सच एज डिफेंस, फाइनेंस एंड रेलवे। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इम्पॉर्टेंट मैटर्स को देखती है, जैसे डिफेंस, भाई किसी भी देश के लिए उसका डिफेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस जो आर्मी है हमारी, अगर हमारे देश का डिफेंस अच्छा ना हो तो हो सकता है दूसरे देश हम पे अटैक कर दें। आप लोगों को पता ही है 1947 से पहले हम लोग क्या, हमारी कंट्री गुलाम थी, यहाँ मुगलों ने भी बहुत सालों तक शासन किया, 200 ईयर्स लगभग अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पीपल ने भी शासन किया, देन इन ऑन 15 अगस्त 1947 वी गेट द फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लिश रूल। अब हमारी कंट्री पे किसी और कंट्री का रूल नहीं है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, और सबसे सरप्राइजिंग बात है बेटा, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है, सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का ही है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लो, हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में आ जाए एग्जाम में, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो किस कंट्री का है, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, अब देखो, अब डिफेंस, तो डिफेंस है, फाइनेंस एंड रेलवेज, ठीक है, मेन मैटर से देखती है। देखो फाइनेंस है, देखो 28 स्टेट्स, क्या बताया मैंने, 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, सबके अपने अपने चीफ मिनिस्टर होंगे। अब स्टेट में जितने भी लोग रहेंगे उनके वेलफेयर के लिए जो वर्क करेंगे
उनके वेलफेयर के लिए जो वर्क करेंगे वो करेंगे चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर अलोन वो भी काम नहीं कर सकते, तो उनके संग भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर है तो अकेले प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर में भी तो बहुत से दूसरे लीडर्स हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। इसी तरह स्टेट के हेड को जो हेल्प करता है वर्क करने में वो होते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी हेल्प करते हैं? चीफ मिनिस्टर की। और इसी तरह ग्राम पंचायत है, इसमें हेड होगा सरपंच, और ग्राम पंचायत में मेंबर 7 to 17 हो सकते हैं, मिनिमम सबसे कम 7 मेंबर तो विलेज ग्राम पंचायत में होंगे ही होंगे, उससे लेस नहीं होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 17 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। ठीक है, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते हैं ग्राम पंचायत में, ये डिपेंड करता है कि विलेज की पॉपुलेशन कितनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई काम की चीज लगे तो पॉज करके उसको नोट कर लिया करो, ठीक है, और फिर आगे वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया करो। सो ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी। अब देखो रेलवेज, डिफेंस, फाइनेंस, जो बजट वाली मैंने बात की थी ना, पूरी कंट्री का एक बजट बनता है कहाँ? सेंट्रल में। अब सेंट्रल से 28 स्टेट जुड़ी हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज जुड़ी हैं, हर जगह पे अब वहाँ से मनी फंड प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। वो अपने प्रोजेक्ट सेंट्रल को डालते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्टेट्स के लोगों को, और ये उनके वेलफेयर में करना है। तो जो पूरी कंट्री का जो बजट बनता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, सो अकॉर्डिंग टू दैट द बजट बनने के बाद फाइनेंस सारी स्टेट्स को दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई, क्योंकि जब आजादी से पहले हमारे यहां बेटा सिर्फ एक पार्टी हुआ करती थी, दैट इज अ कांग्रेस। नाउ अगर आज प्रेजेंट टाइम पास्ट में द फर्स्ट पार्टी इन आवर कंट्री, जो कि आजादी के पहले 1885 में ही ये पार्टी स्टार्ट हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक इंग्लिश मैन A.H. होम ने इसे स्टार्ट किया था 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये थी पास्ट की बात। लेकिन प्रेजेंट की बात करो तो आज हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सी पार्टीज हैं। ठीक है, जैसे कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है, BJP की पार्टी है, तो इस तरह की बहुत मल्टीपर्पज पार्टीज हैं इस समय आप प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में। ठीक है, सो अब इलेक्शन होता है, ये जो डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं ये अपने मेंबर्स के नाम नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन के लिए, और इनको वोट्स कौन करता है? पीपल वोट करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये मेंबर्स व्हेन दे विन द इलेक्शन, तो सबसे ज्यादा सीट जिस पार्टी को मिलती है वही पार्टी क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है बेटा, वो पार्टी क्या बनाती है? वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अब देखो द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज इन देयर स्टेट्स। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट लेट अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्यूटीज स्टेट गवर्नमेंट की, क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, लेट अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो सी ईच स्टेट, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, the state government, the state government are responsible
state government are responsible for maintaining law and order transport and health services in their states. Okay, so the state government are responsible for maintaining law and order. ठीक है, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो. ठीक है, सो ये सब सारी चीजें लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का. और ये करता कौन है, पुलिस. ठीक है, अभी COVID-19 के समय भी इतने दिन बंद रहा सब कुछ, तो लोगों को कंट्रोल करके किसने रखा था बेटा, पुलिस ने. सब जगह पुलिस ने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया और डॉक्टर्स ने भी. ठीक है, तो देख आप तो अपनी स्टेट की बात करेंगे क्योंकि यहाँ का आप लोग डेली न्यूज़ देखते होंगे, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि एट दैट टाइम ऑल द हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय द पुलिस. पुलिस स्टेशन में जो पुलिस मैन से सारी लोगों को जितनी भी हेल्प की COVID-19 के समय, सारी चीज़ें पुलिस वाले कर रहे थे. ठीक है, इस तरह वो यूपी में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके उन्होंने रखा, लोगों को डराया भी भाई, थोड़ी कड़ाई भी की लोगों के संग, नहीं तो लोग इतने रूल्स भी बनाए, बिना मास्क के किसी को देखा जाएगा तो फाइन लगेगी, ये सब ऐसे कर करके लोगों को कंट्रोल में किया गया. लगभग 1 ईयर हो गया ना बेटा, 1 ईयर हो गया ये सब. तो डेट इज द रीजन, इस समय जब COVID-19 का समय आया तो देखो पुलिस मैंस ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरे यूपी में मेंटेन करके रखा ना, तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है. ये किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का. अब ट्रांसपोर्ट, अब देखो इतनी पॉपुलेशन जैसे यूपी में रह रही है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, आप लोग जाते होंगे बस स्टेशंस पे जाते होंगे तो वहाँ आपको यू विल सी टू टाइप्स ऑफ बसेस, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं और गवर्नमेंट बसेस आर आल्सो अवेलेबल एंड दीज सर्विसेज आर फॉर द पीपल. ये सर्विसेज कितने लिए हैं, पीपल्स के लिए हैं. ठीक है, तो एंड हेल्थ सर्विसेज इन देयर स्टेट, और जहाँ इतने ज़्यादा लोग बेटा एक संग रहेंगे तो लोग बीमार भी तो पड़ेंगे. आप देखते होंगे जहाँ आप रहते होंगे आपके सराउंडिंग्स में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं एंड देर आर मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, बट हर लोग के पास इतना पैसा नहीं है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे पे लॉट ऑफ फीस. ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, मेडिसिंस के बहुत पैसा लगता है, लेकिन बेटा गवर्नमेंट को तो हर सिटीजन की नीड्स को फुलफिल करना है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं वेयर द पेशेंट आर गोइंग एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी मनी एज ए फीस. वो लोग कोई मनी नहीं लेते. ठीक है, वो लोग कोई भी मनी नहीं लेते हैं. ठीक है, एंड इवन दोज पीपल हु आर वेरी नीडेड पीपल, और जो बहुत पुअर पीपल हैं दे डोंट हैव मनी टू इवन बाई मेडिसिंस, तो ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराई जाती है. ठीक है, आप देखो जहाँ बेचू चले जाओ, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बेचू का एंड ईच एंड एवरी फैसिलिटी यू विल गेट. लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है. ईच एंड एवरी फैसिलिटी यू विल गेट इन अ बेचू हॉस्पिटल दैट इज इन वाराणसी. सो
student, these things we have discussed, and the next thing I will explain you in the next video. Okay, thank you student.